हेलो एवरीवन, वेलकम टू E1HTD Point। सो फ्रेंड्स, एक और अपडेट के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। एक ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। एक और जो है सिलेबस और एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आ चुका है। नर्सिंग की यहाँ पर जो है वैकेंसीज थी और इसका एग्ज़ाम डेट और सिलेबस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट को हम यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। कौन से एग्ज़ाम की यहाँ पर डेट आई है, कब एग्ज़ाम डेट कब रहे क्या है, ठीक है, एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होगा और जो है सिलेबस की पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। तो पूरी अपडेट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन जारी की गई है और कहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो यहाँ पे PDF मेरे पास ओपन है, ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पर जो है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है प्रकाशित की गई है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सक्सेसफुली जो है फॉर्म सबमिट किए हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला इसमें है सिस्टर ग्रेड, सेकंड एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का है, थर्ड है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, चौथी पोस्ट थी जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और पांचवी ट्यूटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये 5 जो है जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, इन 5 पदों के लिए जो है एग्ज़ाम डेट यहाँ पर घोषित कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, इनका सिलेबस वगैरह क्या है, एग्ज़ाम डेट की वगैरह। तो सबसे पहले बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दिया गया है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बिन फिक्स्ड एट 20 जून 2022 एज अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटीज़। तो यहाँ पर जो है 20 जून जो है यहाँ पर एग्ज़ाम डेट कन्फर्म कर दी गई है। 20 जून को इन 5 पदों के लिए जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। SGPGI की तरफ से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो फाइनली जो है 20 जून को यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम है। और यहाँ पे आगे दिया गया है, द एडमिट कार्ड्स फॉर द सेम विल बी मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोड सून, द कैंडिडेट शुड रेगुलरली चेक द SGPGI वेबसाइट फॉर अपडेट्स विद रिगार्ड टू द सेम। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड जल्द ही यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, जैसे ही यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है, आपको एडमिट कार्ड जल्द ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जैसे नोट आएगा आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर भी दिया जाएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही यहाँ पर आपको दिया जाएगा। फिर यहाँ पे द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन इज बीइंग पब्लिश्ड ऑन द SGPGI वेबसाइट। तो यहाँ पर जो है सिलेबस क्या है इन 5 पदों के लिए, इसके लिए अलग अलग यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई। तो सीधा चलते हैं सिलेबस की ओर। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट कन्फर्म हो चुकी है 20 जून। अब यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया, तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग स्टाफ यानी कि सिस्टर ग्रेड 2 की। तो यहाँ पर सिस्टर ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेबस यहाँ पे क्या रहेगा, द सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑफ ऑन द सिलेबस करिकुलम ऑफ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अब्लिक BSc नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग और GNM के कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया सिलेबस, तो यहाँ पर आप जिसमें देख सकते हैं दिया गया है, बेसिक साइंसेज से क्वेश्चन आएंगे, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, साइकोलॉजी से रहेंगे, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग से रहेंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आएंगे, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग का क्वेश्चन रहेंगे, पीडियाट्रिक नर्सिंग से रहेंगे, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग रहेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एंड और एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग, इन सभी टॉपिक से आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर क्वेश्चन पेपर डिटेल कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन और सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 क्वेश्चन, यानी कि टोटल यहाँ पे 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाले हैं। अब कितने मार्क्स का पेपर, 100 एक नंबर का होगा तो 100 मार्क्स का रहेगा पेपर, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 200 मार्क्स का एक जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसी तरह अन्य सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, डिस्क्रिप्टिव जो है सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया। अब यहाँ पे हम बात करें नर्सिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि जो रीजनिंग से आएंगे क्वेश्चन वो कहाँ कहाँ से आएंगे, इसमें आपको रीड करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन से आएंगे, है ना,
तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल में दे दी गई। सिम्बॉलिक आएंगे, नंबर ऑफ सिस्टम आएगा, क्या आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जनरल नॉलेज से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें दे मिल जाएगी आपको। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई। जनरल इंग्लिश से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे देगी। तो सभी कैंडिडेट्स को एक बार रीड जरूर कर लें। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक साइंसेस से यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया। एनेक्जा वन में आप देख सकते हैं बेसिक साइंस का जो ऊपर दिया गया था, बेसिक साइंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसके अंतर्गत 8 टॉपिक यहाँ पर आपसे कवर किए जाएंगे। तो इन 8 टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा था न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से, तो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है टोटल 4 टॉपिक्स हैं, इसके अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसी तरह साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग से आप देख सकते हैं टोटल कितने टॉपिक से, 7 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पुट किए जाएंगे। तो 7 टॉपिक के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से आपसे जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 टॉपिक से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां टॉपिक जो था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 10 टॉपिक रहने वाले हैं। इसकी डिटेल यहाँ पर आपको दे देगी। 10 टॉपिक से आपको क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, इन्हीं 10 टॉपिक से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी तरह मेडिकल सर्जिकल से आप देख सकते हैं 10 टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाले हैं। 6 नंबर पर मेडिकल सर्जिकल से आप देख सकते हैं 10 टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसी तरह से पीडियाट्रिक नर्सिंग में आप देख सकते हैं टोटल जो है 6 टॉपिक से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग से आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 में आप देख सकते हैं ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग से 6 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे कहाँ कहाँ से, तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई। नंबर 9 पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग से, यानी कि जो नवी सब्जेक्ट है, इस टोटल 9 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन है, इसमें से 7 टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। इसके नीचे आप देख सकते हैं रेडियोलॉजी का डिप्लोमा जो है, जिनका रेडियोलॉजी से भर फिल लिया फॉर्म, उनकी जो है सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह सभी का नीचे यहाँ पर दे दिया गया। तो मैंने यहाँ पर नर्सिंग का जो है कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स पूरी अपडेट को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर दी है। 20 जून को आपका यहाँ पर एग्ज़ाम रखा गया है SGPGI कि जो यहाँ पे स्टाफ नर्स स्टार ग्रेड 2 की वैकेंसी थी, उसका एग्जाम 20 जून को यहाँ पर फाइनली होने वाला है। तो सभी कैंडिडेट इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स पूरी अपडेट को मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया। जैसे एडमिट कार्ड आएगा आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।